दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को भला कौन नहीं जानता होगा। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में कॉप्स की फिल्म्स और जबरदस्त एक्शन सीन्स के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आज दुनिया में न्यूनतम होते तो वे फिल्मों में हवाओं में छलांग लगाती हुई गाड़ियों को देखकर अपना माथा पटक रहे होते। लेकिन रोहित शेट्टी की इसी मिजाज के तो लाखों करोड़ों लोग फैन हैं। इनकी हर एक फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल में अपनी खटिया बिछा लेते हैं। इसी के चलते आज एक बार फिर रोहित शेट्टी अपनी एक और एक्शन ड्रामा फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। तो इस फिल्म में कलाकार कौन होंगे और ये फिल्म बॉलीवुड होगी या हॉलीवुड? अगर आप भी इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी कॉप्स की फिल्मों के लिए जाने जाने वाले फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने कुछ सालों पहले ही कॉप्स पर आधारित फिल्म सिम्बा को रिलीज किया था और अब एक बार फिर कॉप्स पर आधारित फिल्म सूर्यवंशी के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में जहां एक तरफ तीनों सुपरस्टार्स अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन बंदूक ताने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां खिलाड़ी कुमार गुंडों की जबरदस्त धुलाई करते हुए दिख रहे हैं। इसी इंटरेस्टिंग सीन्स की वजह से दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन जब से विश्व भर में कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी का प्रकोप बढ़ा है, तब से दर्शकों को बहुत निराशा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक खुशखबरी की बात यह है कि रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी अभी रिलीज भी नहीं हुई है कि रोहित ने दूसरी एक्शन ड्रामा फिल्म बनाने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, रोहित शेट्टी जल्द ही एक और एक्शन ड्रामा फिल्म के साथ नजर आने वाले हैं। दरअसल हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म है बैड बॉयज, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म है। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मिखेल बे के डायरेक्शन में बनी है, जिसे जेरी ब्रुकहेमर ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ एज अ लीड एक्टर डिटेक्टिव माइक का किरदार निभाते हुए नजर आए थे और इनका साथ दिया था एक्टर मार्टिन लॉरेंस ने। आपको बता दें कि एक बार फिर रोहित शेट्टी ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि बैड बॉयज इनकी पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक है और इस फिल्म में इन्हें विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री भी बेहद पसंद आती है। आपको बता दें कि एक चैट शो का अटेंड करने के दौरान रोहित शेट्टी से फिल्म बैड बॉयज के सीक्वल के बारे में पूछा गया कि अगर वे फिल्म बैड बॉयज का हिंदी रिमेक बनाएगी तो वह इस फिल्म के लीड एक्टर्स के लिए किन सुपरस्टार्स को कास्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए रोहित शेट्टी ने कहा कि वह इस फिल्म में एज अ लीड एक्टर अक्षय कुमार और रणवीर सिंह को कास्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि इन्हें अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के बीच की केमिस्ट्री भी विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री की तरह ही लगती है। लेकिन अभी तक रोहित शेट्टी ने इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर किसी भी बात का खुलासा नहीं किया है और ना ही फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। लेकिन ये तो तय है कि अगर अक्षय कुमार और रणवीर सिंह किसी भी फिल्म में एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल, देखना रहेगा कि इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार और रणवीर सिंह साथ काम करते हुए नजर आएंगे या फिर कोई और। तो दोस्तों, क्या आप भी एक्टर अक्षय कुमार और रणवीर सिंह को एक साथ अभिनय करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।